तो सचिन, ये एस्ट्रोलॉजर यार किस बार बार ऐड आओ से कि ये एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो टोक्यो ये एप्स है ना, देखी हाँ ये सच्चाई से या झूठ से? झूठ तेरे को क्या पता? झूठ है, देख बाबा जी बोल रहे हैं, झूठ बोलता है। देख अपना जोगिंदर भाई भी इसके लिए ऐड बना चुका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड बना रहे हैं यार, ऐसी कोई बात है यार वैसे झूठ है? झूठ है, झूठ है। देख सच्चाई जानने के लिए इधर आ, पहले ये करते हैं हम इसको डाउनलोड करते हैं और हम भी बात करके देखते हैं। ये डाउनलोड कर रहा हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, अभी देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं। अच्छा शादी एस्ट्रोलॉजर, कराते हैं? हाँ शादी कराते हैं, बच्चा कराते हैं, बताते हैं मतलब कि कब होगा कब नहीं होगा, मारी हम भी लव मैरिज करा देना, अभी देखते हैं। मारी भी एक जान बैठी जरूर सर। जरा देख इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल हो गया है, ओपन करते हैं। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है क्या? सब कुछ मांगता है। फिंगर, चलो मैं नंबरों से इसको करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। हो गया, फ्री चैट दिखा रहा है यार, ये बार बार आ रही थी, फ्री चैट कर दी, फ्री चैट कर दी। मार तो रुपया मांगी थी। नहीं अब देखते हैं, अब फ्री चैट कर दी, बताइए। ऑटोमेटिक सर्च कर लिया लोकेशन सब कुछ। प्लीज शेयर द क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर। सच में शादी कराती है? राधे राधे जी, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बढ़िया। बताइए क्या पूछना है। अच्छा इतनी जल्दी हो गए क्या इसमें चैट उठ? ये मेरी जन्म कुंडली भी आ गई है, मैंने डेट ऑफ बर्थ सही डाला था और इसके हिसाब से जन्म कुंडली में निकाल के दे दी। ऑटोमेटिक मैसेज आ रहे हैं यार, ये तो मुझे तो फेक लगती है। अभी चेक करते हैं। थारा भाई जोगेंद्र भी यहाँ पे है? हाँ वो उसने भी बनाया था, मैंने सिर्फ जन्म दिनांक डाली थी और उसके आधार पर देखो मेरे जन्म कुंडली निकल के आ गई है। ये इसका मैप रहा और इसमें लिख रखा है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके मतलब दोष है और राहुल केतु की दशा है। अच्छा आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी 2025 से। अच्छा मतलब कि 2 महीने और मुसीबत के हैं मेरे। अच्छा अपने आप ही ये लिख के आ रहा है, देखो मेरी जन्म कुंडली। और 30 अक्टूबर के बाद मेरे गुण क्षेत्र क्या बोलते हैं नक्षत्र वो चेंज होने वाले हैं। अच्छा और आपकी नए आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हो अपने आप ही आ रहा है। वो जाने मेरे ब्याह करा देगा अच्छा क्या? मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार हो रही है, ये सही है मेरे। और फिर ये उसके बाद में फ्री चैट था, फिर उसके बाद में पैसे मांगने लग गया, रिचार्ज करने के बाद दोबारा कांटेक्ट करें। ये तो जोगिंदर भाई तो बोल रहा था कि फ्री चैट है, फ्री चैट है, इसका जन्मदिन था तब फ्री चैट कर दी, पता नहीं किसका था। ऐड आते हैं बार बार तो उसमें देखा था मैंने, मेरे को तो फेक लगते हैं। तो इसके आधार पर मेरी जन्म कुंडली देखो, पता नहीं मेरे को खुद को नहीं पता ये क्या है जन्म कुंडली, मेरे खुद को नहीं देखना था क्या देखो उसको। अच्छा वो इससे जाना मेरे इससे ब्याह करा देगी। इससे पूछते हैं एक मिनट, इसे सवाल कुछ सवाल पूछते हैं। अच्छा, मेरी जान बाहर देख रही थी। अच्छा तेरे बारे में पूछेंगे, रुक जरा। अच्छा पंडित जी से मेरी चैट चल रही है फिलहाल में, मैं जुड़ने वाला हूँ। अच्छा कौन से पंडित से? देखो हाँ बोल, इसमें कॉल भी आ गया है, उठा ले, उठा उठा, इसमें कॉल आ गया है, ऑटोमेटिक कॉल आ गया है, तो मैं बात करता हूँ। हेलो, ये कॉल कट गया है और ये आ गया मेरे पास, संदीप जी राम राम, आप अपने बारे में कोई क्या जानना चाहते हो, मेरी शादी कब होगी? मेरा बारा बोल यार, मेरी कब लव नहीं मैरिज होगी? करा दे।
अच्छा मैंने वैसे डाल दिया है, मेरी शादी कब होगी, अब देखते हैं क्या आता है रिप्लाई। तेरी तो शादी होगी, दोबारा ब्याह करवाओ। एक मिनट इसका देखते तो है कि ये सच्चाई है, वैसे मजाक करते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ इसके साथ। मेरी करवा, एक मिनट चैटिंग चल रही है, आगे से देखो रिप्लाई आएगा, और मैंने यही डाला है कि मेरी शादी कब होगी। हाँ देख के बताओ। अच्छा आपकी कुंडली में शादी का योग 2025 में बैठा। गाइस मेरी शादी हो चुकी है, और देख रहा हूँ इसमें साफ साफ लिख रखा है, देखो चैटिंग भी चल रही है पंडित की, कि मेरी शादी 2025 में बैठ रही है, जबकि मेरे दो बच्चे भी बताओ हैं। मेरे दो इसके, बच्चे हैं और इसमें साफ साफ लिख रखा है पंडित ने कि मेरी शादी 2025 में होगी। देख सकते हो आप एप्सोटोक, मतलब कि क्या बोलते हैं इनको, झूठ है, सब एस्ट्रोलॉजर, फेक है। एस्ट्रोलॉजर मेरे और जन्म कुंडली निकाल रहे हैं। अच्छा और इसमें लिख रखा है, अच्छा मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही कि राहुल केतु के अनुसार, मतलब राहु केतु बैठा है मेरे ऊपर, उसके वो बैठा है तब तक मेरी शादी नहीं हो रही है, देखो, और 2025 में वो हट जाएगा। इसमें लिख रखा है, देखो साफ साफ लिख रखा है कि 2025 में मेरी शादी होगी, और राहु केतु को मनाना है, मतलब कि दोष उतारना है। दोस्त तो क्या उतार रखते हो, पहले शादी हो हाँ से। एक मिनट देखो तो सही। अच्छा, एक मिनट रुक भाई, मेरे दोस्त आरो मेरे को ना भैया, राहुल खेतों की दोष उतरने के बाद मेरी शादी हो सकती है, हो मतलब कि सकती है हाँ हो सकती है, अभी बताओ। इनको कन्फर्म नहीं है, वैसे बता रहे हैं कि हो सकती है, भाई मैं इनको पूछ रहे हैं कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी आ रही है आपकी। भाई बताओ, इसकी पहले से शादी हो अच्छा चुकी है और फिर भी बता रहा है कि ये पैसे मांगने लग गए, देखो इसने खुद ने अभी तक, मैंने एक भी मैसेज नहीं किया, एक किया था उसके बाद में, अब मैं चैट पे दबा रहा हूँ तो ये देखो पैसे मांगने लग गया, बोल रहे सब हैं कि फेक फ्री है, फेक चैट है। है, फेक तो है, भाई फेक है। से ऐसा करने की कोशिश ना करें, ये सब बकवास है, जैसा होना हो ना वो ही होगा हमारे थारा साथ, भाई जोगिंदर भी झूठ बोल दिया। तो ये सब बकवास है, और ये पैसों के लिए सब करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो आप कृपया ऐसे करने की कोशिश ना करें, हमारा काम था सिर्फ आपको दिखाना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप ऐसे फ्रॉड कामों में पड़ने की कोशिश ना करें। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।